नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और सिवान से मैं हूं दीन बंधु सिंह। इस वक्त मैं सिवान के टाउन हॉल में हूं। अभी यही थोड़ी देर पहले यही मुख्यमंत्री जी का संबोधन हुआ। आप देख सकते हैं कि जीविका दीदियां बैठी हुई हैं, इन्हीं को सीएम ने संबोधित किया है, इनसे बातचीत किया है, संवाद किया है। और मैं कुछ जीविका दीदियों से बात करूँगा। क्या नाम है आपका? फूलमती देवी। कहाँ से आई हैं आप? घुटनी प्रखंड से। अब सीएम ने क्या कहा, मुख्यमंत्री जी ने क्या संबोधन में आप लोगों को कहा? जी बहुत कुछ कहा। किसी ने सवाल भी किया? आपने सवाल कुछ किया या कुछ बताया आपने? जी नहीं, बहुत कुछ बताए वो। जैसे आप बताइए हमने तो दर्शकों को क्या क्या बात। बहुत हम लोग को रोजगार दिए थे, बहुत हम लोग को आगे बढ़ाए थे। आइए किसी और जीविका दीदी से हम बात करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? महाराजगंज ब्लॉक से। सीएम से आप लोगों ने कुछ बात भी की, आपने बताया भी? हम सीएम से बात नहीं किए, लेकिन हम सीएम को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमको यहाँ तक आने का मौका दिया। सीएम ने हमको हमारी बातों को सुना, यही हमारे लिए काफी है। आपने कुछ सवाल भी किया, मन में सवाल था सीएम से? जी बहुत कुछ सवाल था, लेकिन हमको अभी मौका नहीं मिला, आगे मिलेगा तो हम बहुत सारे बात करेंगे। तो ये जो जीविका दीदियाँ हैं उत्साहित हैं, आप भी बात की हैं सर से? हाँ, जब हमारी दीदियाँ कर ली तो हम भी कर लिए, सब कोई कर लिए। अच्छा, बहुत खुश है। हाँ, बहुत खुश है जी। जब से जीविका आया तब से हमारे परिवार में शिक्षा व्यवसाय और नशा मुक्ति सबका बहुत बहुत बधाई हुआ तो, और हम लोग आगे निकल। पहले नशा लोग करते थे घर में? जी हमारे ससुर जी करते थे, बाद में छोड़ दिया उन्होंने। जी जब बंद हुआ 1 अप्रैल 2016 को और छोड़ दिए। और जब हमको, जब हम पढ़ाई करते थे, हम भी पढ़े लिखे हैं थोड़ा, हमारे पापा पढ़ाए हुए हैं, तब हमको जो बिहार का जो रूल दिख रहा था तो हम बहुत दुखी रहते थे कि लगता है कि जब हमारा परिवार और बच्चा और हमारा राज्य नहीं बढ़ेगा तो हमको ये हम सोच में पड़े रहते थे कि लगता है कि जब हमारा बच्चा वहीं होगा वो अच्छी संगत बैठ कर पीने लगा शराब, धर्म गया, अकल गया, हो गई इज्जत खराब। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कौन सा गांव है आपका? कसदेवरा पंचायत है और गांव कसदेवरा बंगरा है और ब्लॉक है हमारा महाराजगंज। आपका क्या नाम है, जीविका समूह का नाम क्या है? सुरेश जीविका स्वयं सहायता समूह। एक ही कलर की साड़ी है आप लोग, लाल लाल सारे लोग पहने हैं, क्या पहले से प्लानिंग था ऐसा कुछ? नहीं सर, जीविका का जो है ना, जीविका में लाल ही साड़ी का मान्यता हुआ, इसलिए हम लोग सब लोग लाल ही साड़ी पहने। लाल ही पसंद है इसलिए को लाल ही पसंद है, तो इसलिए हम लोग को आदेश दिया गया था कि लाल लाल पहन के आना है। कहाँ से आई हैं? हम लोग भांटा पोखर पंचायत से हैं सर, सिवान सदर से हैं। अच्छा, तो आप लोग क्या करती हैं जीविका में? क्या आप लोग सदस्य हैं? जीविका में सदस्य है हम लोग। आप लोगों ने किस तरह तरक्की किया है जीविका से? हम लोग जीविका में नहीं सर, पहले जीविका में नहीं जुड़े थे तो घर से भी बाहर निकलने में, बच्चे को दवा कराने जाते थे तो सासू माँ को लेके जाते थे, लेकिन अब जीविका में जुड़े हैं तो हम लोग अकेले कहीं भी चल जाते हैं और बात विचार करने में कहीं भी डरते नहीं है, कहीं पे डरते नहीं। रोजगार धंधा क्या किया आप? रोजगार हमारे पति जी दुकान किए हैं फैंसी डोर दरवाजे का, और हमारे जी हमारे देवर जी परचून का दुकान किए हैं। खुशहाली आई है जी, घर में। जी जीविका समूह से जुड़ के हमें समूह से बहुत सारी जानकारी मिलती है, जैसे बहुत सारी दीदी आती हैं हमें हेल्थ के बारे में बताती हैं, और जो जेआरपी दीदी आती हैं हमारे बच्चे जो मैट्रिक पढ़ कर घर पे बैठे हैं उनको ट्रेनिंग दे के रोजगार देने की बात बताती हैं, बहुत सारे वहाँ स्टाफ आते हैं जो हमें अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते हैं। तो मुख्यमंत्री जी से क्या क्या बात करेंगे मन में सोच के आ रही है? मन में सोच के आ रही सन जी अपन रोजी रोजगार खातिर पैसा दिल रनिया, अपन सुनावे खातिर आ रही सन, अपन मांगे खातिर हक आ रही सन, जब हमने को दी कुछ और ही रोजगार हमने आगे बढ़ी सन। जन जीविका मिलल बहुत सारे खुश बानी जी, उसे तरक्की भइल बा जी, दौड़ दुकान कैले बानी सन, मशरूम का खेती कैले बानी सन, दौड़ दुकान कैले बानी सन, अपन रोजी रोजगार चलता। तो मुख्यमंत्री जी अगर मौका देती तो क्या कहती मुख्यमंत्री जी? सर कहती कि और हमने के रोजगार दी कि आगे बढ़ी सन। क्या नाम बा राहुल? मीरा देवी। आप देख सकते हैं और भी यहाँ जीविका दीदी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। राहुल बात भइल मुख्यमंत्री जी से? नहीं सर, कोई कितना लोग बात करेंगे। तो आपको मौका मिलता तो कुछ कहती हैं? क्या कहती, क्या सोच कही थी घर से? बहुत कुछ सोचे थे। बताइए क्या बोलती हैं आप, क्या मांगती हैं आप? पहले जीविका में जब लोग हम नहीं जुड़े थे तो गरीब थे, अब जीविका में जुड़ गए हैं तो हम लोग का रोजी रोटी अच्छा से चल रहा है, हम बहुत आगे हैं, विकास हुआ है। जीविका में जुड़ने से विकास हुआ है, महिलाएं उत्साहित हैं और मुख्यमंत्री जी इसी बात को लेकर जीविका पर विशेष ध्यान देते हैं। वे यहाँ जीविका दीदियों से उन्होंने इसीलिए संवाद किया ताकि
वो समझ सकें कि महिलाओं में कितनी खुशहाली आई है।